Hello student, welcome to the interior decoration and design classes, and here we are going to study the unit 2 of working drawing. है ना, इसमें हम यहाँ साइज ऑफ वर्किंग ड्राइंग सीट एंड बोर्ड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, इट्स पर्पस एंड यूजेस और डायमेंशनिंग मेथड एंड डायमेंशनिंग स्टाइल। तो आज का जो क्लास है ये आपकी पूरी लाइफ टाइम काम आएगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ये। तो इस वीडियोस को बहुत ही ध्यान से और चौकन्ना होके आप लोगों को देखना है, क्लियर, ताकि ये आज जो क्लास हो रही है ये ड्राइंग बनाने का, प्रेजेंटेशन ड्राइंग बनाने का, खासकर इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्चरल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सो आर यू रेडी? ओके देन। सो कम टू द ड्राइंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले हमें यह सोचना है कि एक स्टैंडर्ड की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, है ना, एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आर द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ टेक्निकल ड्राइंग्स आर रिप्रेजेंटेड, है ना। तो ड्राइंग स्टैंडर्ड की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इसका कारण यह है कि हम जो चाहते हैं, हम जो सोच रहे हैं, उसको जब हम ड्राइंग में बनाएंगे तो किसी दूसरे के द्वारा वो उसी तरीके से पढ़े जिस तरीके से हमने उसको बनाया है, क्लियर। और स्टैंडर्ड क्यों जरूरत पड़ा, स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, जो ड्राइंग में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको एक पर्सन ही हमारे तरीके से ना पढ़े, हर लोग वही पढ़े जो हम उसको बताना चाह रहे हैं, है ना, और दूसरे की ड्राइंग को भी हम वही पढ़ें जो वो हमें बताना चाह रहा है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड और सिंबल्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, है ना। डिफरेंट कंट्रीज आर हैविंग डिफरेंट स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द ईज, है ना। इन इंडिया वी फॉलो इंडियन स्टैंडर्ड, ओके, फॉर IAS, है ना, IAS 1071-1 1983 साइज ऑफ वर्किंग ड्राइंग सीट यहां से लिया गया है, एंड IAS 9609-2 1985 लेटरिंग ऑन टेक्निकल ड्राइंग्स, क्लियर। तो ये दोनों जो पार्ट है ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड जो बुक है उसमें दिया हुआ है कि साइज ऑफ ड्राइंग सीट्स क्या है और लेटरिंग ऑन टेक्निकल ड्राइंग में क्या रहेगी, ठीक, ओके। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया गया है कि ये एक ड्राइंग सीट है जिसमें ये टाइटल ब्लॉक होता है, इसको एज बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, टोटल ये फॉर्मेट डिजाइन है, है ना। तो इसी सीरीज में जब हम ड्राइंग बनाएंगे, स्केलिंग इसमें जब लेटरिंग करेंगे और डायमेंशनिंग करेंगे सीट में, तो यहाँ पास कैसा रिप्रेजेंट होगा, ये सारी चीजों को आज हम सीखेंगे, है ना। तो जैसे कि आपने देखा कि ड्राइंग सीट में सीट साइज, मार्जिन, एज लाइन, बॉर्डर एंड फ्रेम, ओरिएंटेशन मार्क्स, ग्रिड रेफरेंसेस, टाइटल ब्लॉक एंड हाउ टू फोल्ड द सीट्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ ड्राइंग सीट, ना। ये आप लोगों को मैंने पिछले भी क्लास में दिखाया हुआ था कि किस चीज के लिए किस चीजों का डिवीजन
आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम पेपर की साइज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, A0 साइज डिफाइन एज हैविंग एन एरिया ऑफ 1 square meter, जैसे 1 meter by 1 meter का लंबाई चौड़ाई रहेगा, उसके बराबर जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, A0 साइज पेपर, है ना। इसी तरीके से इंडियन स्टैंडर्ड सीरीज में A2 क्या होगा, 420 mm by 594 इंचेस में, साइज इंचेस में क्या होगा, 16.54 × 23 feet 0.29 inch, है ना। इसी तरीके से A3 साइज का 297 by 420, है ना। A4 का क्या होता है, 210 by 297। ये चीजों को आप लोग याद कर लो हमेशा के लिए, ये हमेशा एग्जाम में भी आता है और हमेशा हमको याद रहना चाहिए एज एन इंटीरियर डिजाइनर एन आर्किटेक्ट। क्लियर, ठीक है। तो अगेन यहाँ पास A0 साइज कितना हुआ, 841 × 1189, A1 साइज, A2 साइज, है ना, A3 साइज और A4 साइज, ये हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। ठीक, तो इसी साइज की पेपर हम नॉर्मली यूज करते हैं और इसी साइज का ही पेपर हमें मार्केट में मिलता है। तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी हमें, जब भी हम जैसे कैड, इवन ऑटो कैड में भी ड्राइंग बनाएंगे या हम सीट बनाएंगे, तो इसी साइज में इसको इजी तरीके से कॉपी, फोटो कॉपी, जीराक्स, प्रेजेंट, रिप्रेजेंट बहुत आसानी से होता है। तो हम कोई भी साइज का अडॉप्ट करेंगे तो वो हमारे लिए हैंडलिंग और ये सारी चीजें ईजी नहीं होती है, है ना। इसके बेसिस में बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में बनता है, जैसे ड्राइंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ड्राइंग सीट रखने के लिए एक स्टोरेज एरिया बना रहे हैं, तो कौन डिसाइड करेगा कि ड्राइंग साइज इस साइज का होता है और यहाँ ड्राइंग सीट को स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पास इसके लिए हमें क्या, हम कहाँ से लेना पड़ेगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से ड्राइंग सीट का साइज देख लिए, उसके बाद इसके इसके लिए हम एक स्टोर बना सकते हैं कोई भी बॉक्स। ठीक, ओके, अगेन ड्राइंग फॉर्मेट में मैंने आपको ये अमेरिकन स्टैंडर्ड मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ कि इसमें कितना कितना साइज होता है। इसमें और हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इस ड्राइंग में आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोग ड्राइंग शीट का में ये जो फॉर्मेट है इसको क्लियर लिखोगे और इसको पूरी शीट को बनाओगे कि कौन से साइज में क्या क्या होता है डिफरेंस, और इस पॉइंट को आप लोग जरूर मेंशन करना कि ड्राइंग सीट कहाँ से लिया जाए, कहाँ ड्राइंग सीट का जो साइज है वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में कहाँ दिया हुआ है और किस पार्ट में दिया हुआ है। क्लियर, ठीक, ओके, थैंक यू।